नमस्कार, राष्ट्र प्रकाश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने वैधानिक विकास मंडल के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक वैधानिक विकास मंडल का गठन किए जाने पर फैसला लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। लिहाजा हाईकोर्ट ने केंद्र के इस रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में स्वतंत्र विदर्भ समर्थक नितिन रोंगे और विदर्भ विकास मंडल के पूर्व सदस्य डॉक्टर कपिल चंद्रायन द्वारा एक जनहित याचिका दायर की हुई है। याचिका के मुताबिक राज्यपाल के पास वैधानिक विकास मंडल गठित करने का विशेष अधिकार है। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र कैबिनेट से निर्देश नहीं मिलने के कारण विकास मंडल का मामला रुका हुआ है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को वैधानिक विकास मंडल की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। अदालत के आदेश के बाद सितंबर 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को आखिरी मौका देते हुए 4 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम खत्म हो जाने के बाद भी केंद्र ने वैधानिक विकास मंडल के गठन को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे नाराज होकर अब अदालत ने केंद्र सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने साफ कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो बेंच योग्यता के आधार पर याचिका की सुनवाई कर आदेश देगी। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से अदालत में दलील देते हुए ये कहा गया है कि वैधानिक विकास मंडल का प्रस्ताव गृह विभाग के पास विचाराधीन है और प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और केंद्र की ओर से ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। गौरतलब है कि वैधानिक विकास मंडल का काम पिछले 4 वर्षों से बंद है, जिसे लेकर विदर्भवादी लगातार चिंता जाहिर करते आ रहे हैं। और अब देखना ये है कि अदालत की फटकार के बाद भी केंद्र सरकार की नींद खुलती है या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी।